हेलो बच्चों, चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस सेट वन को। यहाँ पे अभी आपको एक डायग्राम दिख रही है और आपको बोला गया है क्वेश्चन वन क्या है। लुक एट द फिगर अलोंग साइड एंड नेम ऑफ द फॉलोइंग। सो इसमें से आपको क्या करना है, कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हैं, रेज कौन से हैं, लाइन सेगमेंट कौन से और लाइन्स कौन सी, ये आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना है। अभी कोलिनियर पॉइंट्स इसका मीनिंग क्या है, जो पॉइंट्स एक ही लाइन में है, एक ही लाइन से आप ड्रॉ कर सकते हो, उसे आप बोलते हो कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पे देखो, ये आर ओ एन एक ही लाइन में आ रहा है, सो एक हो गए आर ओ एन कोलिनियर पॉइंट्स, और सेकेंड हो गया पॉइंट एम पॉइंट ओ पॉइंट टी, ये भी क्या हो गए, नॉन लिनियर कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट है रेज। रेज मीन्स क्या होता है, जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और एक ही डायरेक्शन में आगे एक्सटेंड होता है। सो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, रे ओ पी, रे ओ एन, रे ओ टी, देन ओ एस, ओ आर एंड ओ एम, दीज आर द रेज। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसे बोलते हैं हम, जो कि एन पॉइंट्स बताता है पर्टिकुलर लाइन का। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ओ एम, ओ आर, ओ एस, ओ टी, ओ एन, ओ पी, ये क्या हो गए सेगमेंट। सो हम लिखेंगे कैसे, सेग ओ एम, सेग ओ आर, सेग ओ एस, सेग ओ टी, सेग ओ एन एंड सेग ओ पी। ओके, ये हो गए सेगमेंट्स। नेक्स्ट है लाइंस। लाइंस किसे बोलेंगे, जैसे कि लाइन एम ओ टी एंड सेकेंड लाइन आर एन। ओके, लाइन ओ टी एम टी एंड लाइन आर एन, यहाँ पे भी आप आंसर्स देख सकते हो। देखो ये है प्रैक्टिस सेट वन, कोलिनियर लाइंस पॉइंट एम पॉइंट ओ पॉइंट टी एंड पॉइंट आर ओ एन। रेज जैसे कि मैंने आपको बताया था, ओ एम ओ टी ओ पी ओ एन ओ एस ओ आर। लाइन सेगमेंट जो कि हम कैसे लिखते हैं, सेग एम टी, सेग आर एन, सेग ओ पी एक्सेट्रा। और लाइन्स मैंने दो बताई थी, लाइन एम टी एंड लाइन आर एन। अभी चलते हम सेकेंड क्वेश्चन के तरफ, राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन। अभी एक ही लाइन है बट हमें आपको इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम बताने, कैसे बताओगे। सो क्या हो गया, लाइन ए बी, लाइन ए सी, लाइन ए डी, लाइन बी सी, लाइन बी डी, या फिर लाइन सी डी, या फिर सिंपल लाइन एल। सो ये हो गए डिफरेंट डिफरेंट नेम्स ऑफ लाइन। ओके, आपको चाहिए तो यहाँ से मैं फिर से रिपीट करती हूँ, लाइन एल, लाइन ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी एंड सी डी। इस तरह से आप कोई भी लाइन को नाम दे सकते हो। अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर, मैच ऑफ द फॉलोइंग। अभी ये ग्रुप है, ग्रुप भी हमें इसको मैच करना है, कि मीन्स ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। अभी देखो सिंपल है, यहाँ पे ये क्या हो गई, सो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो किसके साथ कनेक्ट करेगा, सी के साथ, लाइन हो गई है, ये लाइन है। अभी ये देखो यहाँ पे एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, सो इसे हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। सो ऑप्शन टू का परफेक्ट मैचिंग पेयर क्या रहेगा, डी, लाइन सेगमेंट। अभी ये देखो यहाँ पे एक प्लेन है, मीन्स एक सरफेस दिया है जो कि फ्लैट है, सो फ्लैट सरफेस को हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। सो ऑप्शन थर्ड का करेक्ट पेयर है ऑप्शन बी, दैट इज प्लेन। और लास्ट है, अभी देखो यहाँ पे ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, यहाँ पे एरो है, एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, रे। सो द फोर्थ ऑप्शन जो है उसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ए, दैट इज द रे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखो ऑप्शन वन जो है वो लाइन है, ऑप्शन टू लाइन सेगमेंट है, ऑप्शन थ्री जो है उसे प्लेन बोलेंगे और फोर्थ को आप रे बोलोगे। ओके, अभी नेक्स्ट हमें ऑब्जर्व करना है। अभी एक फिगर दी हुई है आपको, ये जो फिगर है यहाँ से आपको एक ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व द फिगर बिलो, नेम द पैरेलल लाइंस, द कॉन्करेंट लाइंस एंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस इन द फिगर। अभी आपको इसमें से क्या देखना है, जो भी पैरेलल लाइंस है एक दूसरे को वो चेक करना है। सो देखो यहाँ पे आपको ये लाइन दिख सकती है, लाइन ए बी, लाइन सी, लाइन डी क्यू। सो ये देखो सिंपल एक ही डायरेक्शन मीन्स पैरेलल ही है, कहीं पे आगे जाके एक्सटेंड भी हुई तो वो कहीं पे एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, इसलिए ये लाइंस पैरेलल हो गई, दैट मीन्स लाइन बी, लाइन एम और लाइन क्यू। नेक्स्ट है कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस का मीनिंग क्या होता है, जब एक ही पॉइंट से नंबर ऑफ लाइंस
टू और मोर देन टू लाइन्स निकलते हैं तो उसे आप कॉन्करेंस लाइन बोलते हो। जैसे कि देखो ये लाइन ए बी सी और लाइन पी क्यू, ये अभी लाइन ए बी सी जो है ये ए पॉइंट से निकल रही है ना, तो इसे आप बोलेंगे कॉन्करेंस लाइन। अभी सी को बोल सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ से एक ही लाइन पास हो रही है, यहाँ पे भी दो लाइन पास हो रही है, सो ये भी क्या हो गई? कॉन्करेंस लाइन। एंड लास्ट बताया है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अभी इस फिगर में पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कौन कौन से हैं? सो पॉइंट ए एंड पॉइंट डी आर द कॉन्करेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। व्हाई? बिकॉज इससे नंबर ऑफ लाइंस जो है वो ज्यादा निकल रही है। जैसे पॉइंट सी में सिर्फ एक ही लाइन जा रही है तो हम इसे बोल पाएंगे क्या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस? नो, वी कैन नॉट से पॉइंट सी एज अ कॉन्करेंस पॉइंट। सो यहाँ पे भी आप फिर से आंसर देख सकते हो। पैरेलल लाइंस कौन सी है? लाइन बी इज पैरेलल विद लाइन एम एंड एम इज पैरेलल विद लाइन क्यू। और एक लाइन है लाइन ए, ये देखो ये और ये लाइन पी, ये भी आप क्या बोल सकते हो? पैरेलल। और यहाँ पे एक बात याद रखना, ये जो आप डबल लाइन दिख रहे हो ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पैरेलल का सिंबल बोलते हैं। दैट मीन्स लाइन बी इज पैरेलल विद लाइन एम। ओके, ऐसा समझ में? तो ये हो गया सिंबल ऑफ पैरेलल लाइन। नेक्स्ट है कॉन्करेंस लाइन कौन कौन से? सो लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी और लाइन ए सी। लाइन ए सी, ओके, क्योंकि ये भी तो लाइन ही है ना, इतनी ये भी क्या हो गई? लाइन हो गई। अभी नेक्स्ट कौन सी है? लाइन पी क्यू एंड ए सी। देखो लाइन पी क्यू एंड ए सी, सो ये भी क्या हो गए? कॉन्करेंस लाइन। और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कौन से है? याद रखो ए और डी। सो यहाँ पे हम यहाँ पे देखो एक पॉइंट दिया, टेक अ फ्लैट पीस ऑफ थर्मोकोल और कार्डबोर्ड और नीडल एंड थ्रेड, टाई अ बिग नॉट और बटन और बीट एट वन एंड ऑफ द थ्रेड, थ्रेड द नीडल विद द अदर एंड, और क्या करना है? पास द नीडल अप थ्रू एनी कन्वीनियंट पॉइंट पी, पुल द थ्रेड अप लीविंग नॉट ऑन द बटन बिलो, रिमूव द नीडल एंड पुट इट असाइड, नाउ होल्ड द फ्री एंड ऑफ द थ्रेड एंड जेंटली पुल इट थ्रेड, विच फिगर डू यू सी? ओके, तो क्या करना है? एक पेज लेना है, उस पेज में आपको क्या करना है? छेद करना है, उसमें आपको क्या करना है? एक नॉट के वो दोरा बाहर निकलना, और जब भी आप उसे खींचोगे तो आपको कौन सा जो फिगर मिलेगा वो आपको क्या करना है? चेक करना है। सो क्या होता है जब भी आप होगे ना, तो नंबर ऑफ लाइंस वहां से पास हो रहे हैं, ऐसा आप देख सकते हो। सो ये था स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। ओके, चलो स्टडी करते रहना। थैंक यू।